इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये हुआ टू और ये हो गया एट, दो एंगल भी इक्वल है यानी कि ये भी थीटा होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि जनरली स्टूडेंट को तो क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब। तो हमें क्या शो करना, पी जो कोई जनरल पॉइंट है एक्स वाई, हमें शो करना है इट इज मूविंग ऑन अ लाइन। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो यही एंगल हुआ ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा, एक आएगा कैंसिल हो गया। तो ये वाली जो लाइन है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री प्लस थीटा। कोई डाउट है तो बताओ। अब एल वन और एल टू का जो ये प्रोडक्ट है, एल वन इंटू एल ये किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर के। ये आपको पर्सन इज स्टैंडिंग एट द जंक्शन यानी कि क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यानी कि जो टू स्ट्रेट पाथ है ये उनकी इक्वेशन। कि हमें जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है पी की जो कि परपेंडिकुलर होगा। इस पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।